स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन होने वाला है वो वापस विक्रम मूवी पर हम लेकर आए हैं। फैज फासिल सर जो तलाश में है एक नकाबपोश के में कि आखिर इस तेरे के पीछे है कौन, तो इसी से जुड़ा हुआ ये आगे ये सीन चल रहा है, तो उसी के ऊपर आज रिएक्शन देंगे। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। ओह चीज है चिप है कोई यूएसपी वगैरह है कुछ थैंक यू प्लेजर इज माइन। उसने फिजिकली मेरे साथ क्या किया बताओ। क्या बात है, मतलब जितना नेगेटिव इनको बना रखा है वो है नहीं है। ये एक वीडियो रिकॉर्डर है, इट्स एन ऑटो ट्रांसमीटर बग, अ रेयर मॉडल, डेफिनेटली नॉट फ्रॉम इंडिया, प्रोबेबली फ्रॉम इजराइल और फ्रॉम रॉय एजेंसी। क्या बात है, अगर इन कड़ियों को जोड़ें तो करण की मौत से पहले उनके किसी बिग ड्रग माफिया के साथ लिंक की पॉसिबिलिटी है। शायद वही उनकी मौत की वजह थी। ऐसा हो सकता है जो मरा वो करण ना हो सकता है, और देन ही इज ऑन अ मिशन। क्या बात चीफ, जिस रूम में ये बग था वहां ज्यादातर बीडब्ल्यूडी ऑफिसर वीर प्रताप और कॉन्ट्रैक्टर रुद्र प्रताप की मीटिंग होती थी, और स्टीफन राज की मौत के बाद सीधे गायब हो गया, एंड ऑल ऑफ अ सडन आज ये दोनों चंदन की गैंग और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैंग के साथ मिलने वाले थे, लेकिन कल रुद्र प्रताप की बेटी की शादी है इसलिए वो शायद नहीं आएगा, सिर्फ वीर प्रताप ही वहां जाएगा। तिलक इज नाउ ऑन स्टे, दिस इज द 7th डे and he could be the next. Let's give it a try, boys. Yes, sir. Spot pe pahunchne mein kitna waqt lagega? 5 minutes, sir. Piche hi hu. Should I go in? No, just follow him. Casino Theater. Casino Theater naam bhi kya hai? Chandan bhi nahi aayega na baaki ke chandu aayenge. Chandu. Lallu se deal karni padti hai. ठीक है, करते समझ पाओगे क्या? चेन्नई हार्बर से नियरेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट सुवेज चैनल यहाँ पर है। ये चेन्नई के सबब के सुवेज का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब जानते हो ना, यानी कि नक्शा, मैप। इसमें 7 जगह हैं, माल सिर्फ एक जगह पे है। वो 7 जगह सिर्फ मुझे और रुद्र प्रताप को पता है। ये इन्फॉर्मेशन जानने में हमें बहुत दिन लग गया। जितना उसने बोला उतना अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर, उसके बाद तुम्हें ये सारी फाइल्स दी। कौन वही गैंग है? बड़े खौफनाक तरीके से कर रहे हैं यार। तो सिर्फ यही मरेंगे। ओह। इस सीन का हीरो मैं हूँ। यार कोशिश ना करे। क्या हुआ? इस बंदूक में 12 बुलेट्स हैं। 5x12=60। सब मारे जाएंगे साले। इसलिए अपने मुंह और पिछवाड़े चिपका के रखे। बैठो, अपने आप चिपक जाएगा। नक्शा वगैरह तो सब उन्होंने देख लिया। इनकी टीम भी आ गई। नो बट नो मोर कैजुअलिटीज। ये
ओ ओ अपना काम कर गए तुम। किसी को पकड़ लिया। पीछा नहीं छोड़ा अभी तक। अभी भी पीछे है यार। ओ एक को ले लिया था बेटा। एक को तो पकड़ लिया। क्या बात है। मतलब एक ऐसी टीम जो मतलब एजेंट है और प्रोफेशनल है, अपनी तरफ से हाई क्वालिटी रखते हैं, और एक तरफ ऐसा गैंग जो मर्डर पे मर्डर किए जा रहा है, पता नहीं उसका किस वजह से वो मर्डर कर रहे हैं लेकिन किए जा रहे हैं, और उन्हीं के बीच में आगे से आगे चलता रहता है। कभी वो जो टॉम एंड जेरी वाला खेल है वो चलता रहता है, लेकिन अब वो इस मोड पे आ चुके हैं कि वो खेल रिवील होने वाला है, सब कुछ रिवील होने वाला है, उस मोड पे आ चुकी है कहानी। तो मतलब काफ़ी अच्छा, एक बंदे को पकड़ भी लिया। फैज फासिल जिस तरह से मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी एक्टिंग की, और जिस तरह से उनका रोल है इसके अंदर, तो काफ़ी जबरदस्त, हाँ काफ़ी ज़बरदस्त था। तो अब देखना ये कि इस चेहरे के पीछे कौन होगा, यही सबसे बड़ी होगा, क्योंकि मतलब ऐसा क्या है, वो खुद उनको गुंडे भी नहीं मान सकते, उनको अपन विलन भी नहीं मान सकते, क्योंकि बीच बीच में वो ये कहते हुए सुनने देते हैं कि हम गलत चीज़ के खिलाफ हैं, लेकिन गलत चीज़ के खिलाफ आप हो लेकिन फिर भी आप मर्डर कर रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो ये सब कुछ सबके मतलब कत्ल करने का जो तरीका है वो सेम है बिल्कुल। तो स्टोरी में आगे देखने लायक होगा कि ऐसा आखिरकार हुआ क्या जिसकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ रहा है। तो कैसा लगा आप सभी को ये सीन, कैसा लगा ये रिएक्शन, कैसा लगा जरूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।